और फिर हम लोगों ने 10-11 बजे निकले, मतलब बोले तो 11:05 के आसपास हुआ है। तो अभी हम ये मंदिर है सामने की साइड, यहाँ पे भीड़ काफी ज्यादा थी यार, काफी प्रसाद खाने के लिए ना काफी लंबा लाइन हो चुका है। हेलो यूडो फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो गए। सो गाइज, जैसा कि देख सकते हो अभी तुम्हारा भाई नाइट के टाइम में भाई ड्राइविंग कर रहा है। तो गाइज, आज अपन लोग जाने वाले हैं बागेश्वर धाम, और नाइट के भाई बोले तो अभी 10-11 बज रहे हैं, और फिर हम लोगों ने 10-11 बजे निकले, मतलब बोले तो 11:05 के आसपास हुआ है। तो अभी हम लोग निकले बागेश्वर धाम के लिए। तो गाइज, जैसा कि देख सकते हो नाइट का व्यू क्या ही मस्त लग रहा है। हालांकि मैंने 9 बजे ही निकला था, बट 11 बजे गाइज मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो गाइज व्यू देखो। सो फाइनली गाइज, अभी अपन लोग थोड़ा सा और आगे आए हैं, उसके बाद का व्यू जो है ना गाइज, यहाँ का व्यू मेरे को काफ़ी तगड़ा लग रहा है, क्योंकि देखो दोनों साइड का जो व्यू आ रहा है ना, मतलब साइड से लाइटनिंग है ना, ये वाली व्यू ना काफ़ी कते ही जहर वाला व्यू लग रहा है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा ये व्यू लग रहा है, इसलिए मैंने सोचा ना कि गाइज चलो इस व्यू को आप लोग को भी दिखा देता हूँ, और आप लोग कमेंट करके बताओ गाइज कि ये व्यू आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो गाइज अभी देखो, मतलब व्यू तो काफ़ी सही लग रहा है। यहाँ पे शंकर भगवान, और यहाँ पे मैंने कुछ भाई स्नैक्स ला के रखा, क्योंकि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है स्नैक्स गाइज। सो फाइनली गाइज, अभी हो चुका है रात, बोले तो कल रात में मैंने आज सुबह मैंने भाई बोले तो 5 बजे पहुँचा, और उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो मैंने गाइज रेस्ट कर लिया, उसके बाद मैंने सोचा यार चलो अभी अपन लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जैसा कि देख सकते हो रात हो चुका, और अभी यहाँ पे गाइज प्रसाद का भाई, मतलब यहाँ पे प्रसाद नहीं, यहाँ पे बोल सकते हो ना, ये मंदिर है सामने की साइड, यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी यार, काफ़ी ज़्यादा ही भीड़ थी। और पीछे की साइड बाबा जो भी बोलते ना बागेश्वर धाम वाले बाबा, वो बैठे थे, तो इतना भीड़ था ना गाइज उस टाइम वीडियो बनाना, मतलब सोच लो यार क्या ही डेंजरस वाला सीन था वहाँ पे। तो हम लोगों ने उस टाइम वीडियो नहीं बना पाए, बट हाँ अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं अभी का, मतलब बोल सकते हो ना जब वो बैठक था ना, सत्संग था ना, उस टाइम इतना भीड़ था ना, सोच नहीं सकते हो। बट खत्म होने के 1 घंटे बाद का भी भीड़ दिखा रहा हूँ गाइज, मतलब इस लेवल का भीड़ है अभी। तो सोचो यार उस टाइम किस लेवल का भीड़ होगा। यहाँ पे भाई अपना गुरुदेव जी बैठते हैं, जो भी है बागेश्वर धाम वाली सरकार, मेरा तो सत सत नमन है उनको। तो गाइज आप लोग भी प्रणाम कर लो, क्योंकि काफ़ी अच्छे हैं, और फिर यहाँ का जो भी दुआ मांगता है, जो भी विश करता है ना, उसको पूरा होता है गाइज। तो चलो अभी मैं आप लोग को गाइज दिखाता हूँ कहाँ पर प्रसाद खिलाया जाता है। सो फाइनली गाइज अभी अपन लोग आ चुके हैं, और फिर यहाँ पे सामने की साइड देख लो यार, प्रसाद खाने के लिए ना काफ़ी लंबा लाइन हो चुका है, मतलब इतना लंबा लाइन है ना कि गाइज तुम अगर लग जाओगे ना, तो घंटा से पहले तुम्हें 1 घंटा से पहले प्रसाद मिलने वाला नहीं है। तो भाई प्रसाद कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ तो थोड़ा सा कष्ट झेलना पड़ता है ना, तो काफ़ी सारे लोग लाइन में लगे हुए। तब तक हम आप लोगों को कुछ और दिखाते गाइज। सो फाइनली गाइज ये देखो, ये कुछ न्यू बन रहा है बागेश्वर धाम में, बागेश्वर धाम में ना ये कुछ अलग और न्यू बन रहा है, काफ़ी अच्छा वाला न्यू बन रहा है। क्योंकि देखो काफ़ी लोग ना सत्संग लेते हैं ना, तो रोड पे खड़े होकर सत्संग लेते हैं, सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं बाबा को, देखते हैं उनका आवाज़ सुनते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ जाती है। तो इसी कारण से उसको देखते हुए गाइज बागेश्वर धाम वाले बाबा ने भाई एक हॉल बनाया, बहुत ही बड़ा हॉल है ये। चलो मैं आप लोग को अंदर ले जाके दिखाता हूँ। तो अभी बनना स्टार्ट हुआ, बोले तो बन चुका है, बट 1-2 महीने बाद ये पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगी। उसके बाद ना यहाँ पे जो मतलब बैठक होगी ना, कम से कम 1000 तो आराम से इसमें बैठ जाएंगे, 1000 से 2000 आदमी लोग बैठ जाएंगे यहाँ पे बाबा। और सामने की साइड देखो गाइस बैठने वाला, सारे लोग बैठेंगे उधर, और इधर की साइड बाबा रहेंगे। तो बाबा सबको भाई ध्यान में रखते हुए इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, जो भी अच्छे अच्छे चीज़ कर रहे हैं वो आप लोग के लिए कर रहे हैं गाइज, हम लोग के लिए कर रहे हैं। तो अभी का रात हो चुका है, तो अभी अपन लोग यहाँ से जाएंगे, प्रसाद खाएंगे और सो जाएंगे गाइज। सो फाइनली गाइज अभी सुबह हो चुकी है, कल रात में यार सो गया, क्योंकि देखो मैंने सुबह 4 या 5 बजे आया था, फिर पूरा दिन मैंने सोया, और शाम के साइड मैंने वीडियो बनाया, और फिर अभी का सुबह का टाइम है गाइज, जैसा कि रात में मैंने सो गया और फिर अभी वीडियो बना रहा हूँ। देख सकते हो गाइज ये बागेश्वर धाम है, मतलब गाइज मतलब खुद में इतना इतना अच्छा वाला फीलिंग्स आता है ना इस धाम पे आने के बाद ना, अगर आप लोग आओगे ना तो इतना अच्छा वाला फीलिंग्स आएगा ना भाई, सुबह सुबह खाली पाँव एकदम जाओगे यार, कितना भी कंकड़ी सब रहती है ना, गड़ेगी भी ना, चुभेगी भी ना, तो एहसास उतना होने नहीं देता है। तो गाइज यहाँ का भाई मतलब काफ़ी
श्रद्धा वाले लोग यहाँ पे आते हैं, सारे लोग आते हैं, बट हाँ जिन जिनका मन में जो श्रद्धा रहता है ना, जो विश रहता है ना, उनका पूरा होता है गाइज। मेरा भी कुछ पूरा हुआ है इसीलिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। और फिर ये सारी यहाँ पे रूम आप लोग को मिल जाएगी, रूम नहीं बट एक हॉल टाइप का मिलेगा, उसे 50 रुपये का एक बेड मिलेगा और 50 रुपये का उड़ने वाला, तो काफ़ी सस्ता है। खाना भी यहाँ पे काफ़ी सस्ता मिलता है गाइज। बोले तो सिर्फ आपको नॉनवेज नहीं मिलेगी, लहसुन प्याज का कोई भी सामान आपको नहीं मिलेगा, बाकी आप जो भी ढूंढोगे ना सारा कुछ मिलेगा। पेट भर के खाना खाओ यार काफ़ी कम पैसे में, और फिर भाई रहो भी काफ़ी कम पैसे में, 50 रुपये में गाइज एक रात, एक दिन पूरा 24 आवर्स के लिए कौन बेड देगा मेरे को बताना ज़रा। और फिर यहाँ भी और भी बड़ा वाला होटल बनने वाला, तो देखो भाई नेक्स्ट आगे क्या होता है वो तो आगे देखेंगे गाइज। तो अभी गाइज सो फाइनली गाइज अभी अपन लोग निकल चुके हैं। बोले तो जैसा कि मैंने सुबह वहाँ पे पूजा वूजा कर लिए, और अभी अपन लोग सोचे यार चलो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते, दोपहर हो चुका था, तो कल हम लोगों ने रात में पूरा रेस्ट किया और सुबह के मैंने 4 या फिर 5 बजे सुबह सुबह निकले। तो अभी देख सकते हो यार काफ़ी मतलब सूर्योदय होने वाला है, और फिर गाइज मौसम काफ़ी अच्छा, ज़्यादा लेट हम लोगों ने नहीं करना चाहा क्योंकि रीज़न ये था ना गाइज कि लेट हो जाता तो गाइज ट्रैफिक सब बहुत ज़्यादा होता, और फिर ट्रैफिक होता तो अपन लोग भाई काफ़ी रिस्क होता। सो फाइनली गाइज अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लाल किला के आसपास, और फिर देख सकते हैं यार लाल किला के ये पीछे का रोड है भाई। सामने में अपन लोग वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, और वहाँ पे थोड़ा सा भी मिस होता ना अपना स्टेरिंग ये सब, तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, इसी कारण से अपन लोग वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। बट हाँ देखो रेड फोर्ट जगह है ना, यहाँ पे जो भी तुम्हें घर मिलेगी ना, होटल मिलेगी ना, उसका बाहर का कलर गाइज रेड ही होता है क्योंकि यहाँ पे रेड फोर्ट है ना, इसी कारण से गाइज जो भी मिलता है सारा रेड ही मिलता है। जैसा कि देख सकते हो यार सारा रेड, कुछ भी अलग कलर नहीं, सारा रेड है बाहर में। सो गाइज अंदर में क्या हो ना ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन बाहर का जो भी होता है ना आगे का निकला हुआ दीवार या फिर वाइज विंडो सारा भाई रेडी होता है। तो गाइज जैसा कि देख सकते हो यहाँ से मैंने टर्न ले लिया, ऊपर की साइड अपने को जाना है क्योंकि अपने को दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो यहाँ से अपने को ऊपर जाना, मतलब यहाँ का व्यू ना मेरे को काफी अच्छा लग रहा है गाइज। कुछ भी बोलोगे ना ये व्यू ना मेरे को दिल को छू रहा है, मतलब रेड रेड कलर का। एक होता है ना पिंक सिटी है ना जयपुर, वहाँ पे काफ़ी सिर्फ पिंक नाम है, हालांकि मैं कभी गया ना पिंक नाम है, मतलब वहाँ का पिंक भी होगा बिल्डिंग्स ये सब, तो उसका व्यू काफ़ी अच्छा होगा। बट अपन लोग जल्दी जाने का कोशिश करेंगे। सो गाइज लखनऊ आप लोगों को कैसा लगता है ये भी कमेंट करके बताना, और फिर ये रेड फोर्ट का कलर कैसा लगा आप लोगों को ये भी कमेंट करके बताना गाइज। ये देख लो यार ये क्या सीन है भाई, मस्त लग रहा है यार। सो फाइनली गाइज अभी अपन लोग निकल चुके हैं, हाईवे पे आ चुके हैं, और फिर अपन लोग सारे लोग को भूख काफ़ी जोड़ों की लगी है क्योंकि देखो सुबह से अपन लोग कुछ नहीं खाएं, सिर्फ नॉर्मली से अपन लोग स्नैक्स थोड़ा बहुत खाए, तो उससे गाइज मतलब पेट नहीं भर सकता है, थोड़ा बहुत तो खाली है अभी, तो अपन लोग गाइज देखते हैं कोई ढाबा वाबा मिलता है तो अपन लोग खाते हैं। सो फाइनली गाइज अभी आगे आ चुके हैं, ढाबा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तो अपन लोग डायरेक्ट ढाबा पे जाते हैं और फिर वहाँ पे आप लोगों को वीडियो ऑन करके दिखाते हैं गाइज। तो देखो यार ढाबा कैसा होता है आगे भाई। सो फाइनली गाइज अभी अपन लोग आ चुके हैं हाईवे के नीचे, और फिर यहाँ पे ढाबा है, और फिर गाइज देख सकते हैं यार काफ़ी मस्त वाला व्यू है। सुबह सुबह बोले तो 10 बज रहे हैं अभी, तो यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंड का मौसम, ठंड भी लग रही है और फिर थोड़ी थोड़ी ठंड तो लगती है ना। तो ये देखो यहाँ पे हम लोग यार स्नैक्स जो भी स्नैक्स नहीं बोल सकते, लंच अपन लोग करेंगे, लंच भी नहीं बोल सकते ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि लंच में यार चावल ही सब जो कि यहाँ पर मिलता नहीं आपको ब्रेकफास्ट ही मिलेगा, तो अपन लोग जो भी देखते हैं इडली डोसा बड़ा पाव छोटा पाव जो भी होता है ना जो भी मिलेगा वो अपन लोग करेंगे, और फिर डायरेक्ट से यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अपने को घर भी जल्दी जानी है और फिर और भी बहुत सारी काम है गाइस। तो अपन लोग देखते हैं यार क्या मिलता है यहाँ पे, देख सकते यार काफ़ी कुछ है, तो अपन लोग अभी ऑर्डर कर लेते हैं पहले गाइस। सो फाइनली गाइज अपन लोग ब्रेकफास्ट कर लिए और अभी अपन लोग आगे आ चुके हैं, यहाँ से करीब बोले तो 40 किलोमीटर दूर है। सो 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से अपना घर, तो अभी यहाँ पे आ चुका है बीच में टोल टैक्स, तो टोल टैक्स में अपने को गाइज पैसा कटवाना पड़ेगा क्योंकि देखो मतलब तुम आए हो ना टूर पे, तो ये तो मान लो गाइज जब यूपी में घुसोगे ना तो तुम्हें हर 10 किलोमीटर के अंदर ना एक टोल टैक्स मिलेगी ही मिलेगी। तो गाइज देखो यार अभी कितना कटता है मेरे को पता नहीं, बट कितना कटेगा पता नहीं मेरे को, रुक जा। ये देखो भाई ग्रीन सिग्नल दे दिया, ये होता है ना जब नंबर पे ही फास्टैग तुम लगा के रखोगे ना तो नंबर से ये स्कैन लेके पैसा कट जाता है। सो फाइनली गाइज वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड ब्लॉग को। सो आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना गाइज़।